दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक और धमाकेदार वीडियो को। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहाँ आने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत अमीर रिच पर्सन लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे ज़रूर कुछ अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूँ। वो लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया जहाँ पर उस लंबे व्यक्ति को उतरना था। वह ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा? बहुत सोच विचार करने के बाद उस भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ ज़रूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को आखिर दे क्या सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। 3रे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूँ। उसे अपना यह विचार बहुत अच्छा लगा और उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़ दिए। अब वो ट्रेन में भीख मांगने पहुँचा। अब जब भी उस कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज़ फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते थे तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज़ यही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को उसकी ये बात बहुत पसंद आई। वो बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई लाइन के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ में सफलता की वो चाबी की ऑफ सक्सेस लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज़ में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, अब तो मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी उस लंबे व्यक्ति जैसा बन सकता हूँ और मैं भी एक रिच पर्सन बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है
और अगले दिन से ही वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं देखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे के साथ हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि 3री बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में मैं कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कराया और अचंभित होते हुए बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो तुम? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम लॉ ऑफ नेचर बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं, यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है, मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं, और जब आपसे मेरी दूसरी बार मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब बहुत खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टेक के रूल को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी लाइफ रूल का यूज करके बड़े व्यापारी बन पाए हैं। इस फॉर्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस नेचर के रूल को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई भी देने लगा। वह जान चुका था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अपनी छोटी सोच नैरो थिंकिंग के कारण वह खुद को भिखारी मानता रहा। वह स्वयं को भी नहीं पहचान पाया। वह अपने आत्मसम्मान सेल्फ रेस्पेक्ट को नहीं जगा पाया, जिसकी वजह से वह अपनी थिंकिंग भी नहीं बदल पाया। ये कहानी हमें यह बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें तो उससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बनते रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। चेंज योर थिंकिंग। हमें खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। थिंक बिग अबाउट योर सेल्फ, तभी हम बड़े बन पाएंगे। कहानी में भी भिखारी खुद को भिखारी ही समझता रहा और भिखारी ही बना रहा, लेकिन जब उसे पता चला कि वह तो व्यापारी है तो उसने अपना विचार बदला। अपने बारे में विचार बदलने से उसका जीवन बदल गया। उस लंबे व्यक्ति ने तो केवल उसका आत्मसम्मान जगा दिया था और वह इसी कारण आज भिखारी से एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। उस लंबे व्यक्ति की बातों से उस भिखारी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। वास्तव में उस भिखारी का सेल्फ रेस्पेक्ट जाग गया था, और सेल्फ रेस्पेक्ट और कुछ नहीं बल्कि हमारी खुद के बारे में सोच होती है। आप भी प्रकृति के इस नियम को सीखिए, अपना आत्मसम्मान को जागृत कीजिए, अपनी सोच को बदलिए और उसे बहुत बड़ा बनाइए। ऐसा करके तो देखिए, आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल चुका है तथा आप एक पहाड़ पर सबसे ऊपर खड़े हैं और उस पहाड़ का नाम है सक्सेस। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये इंस्पायरेशनल स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोज़ और बनाते रहें तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल ज्ञान स्टेज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।